आंदोलन में सब लोग अनुसूचित जाति के होते थे ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए महार नाम का तालाब, वहां पर पानी लेने का प्रश्न था। बाकी नगर पालिका ने कानून बना दिया था कि इसे सब लोग पानी ले सकते हैं, लेकिन वहां के लोगों ने कहा अनुसूचित जाति के लोग यहां से पानी नहीं लेंगे। ये गैर कानूनी बात थी, ये भेदभावपूर्ण बात थी। डॉक्टर साहब इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए खड़े हुए। वे हजारों लोगों को लेकर के आते थे, हम जल लेंगे, हमारा कानूनी अधिकार है, हमारे बस्ती के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, इस तालाब से पानी लेने दो हमको। लेकिन उनका विरोध करने के लिए हजारों लोग और खड़े हो जाते थे, नहीं आप इसका पानी लेंगे तो तालाब अपवित्र हो जाएगा। ऐसे एक सत्याग्रह के लिए 4-5 हजार लोग इकट्ठे थे। ये सत्याग्रह करने के लिए गए, सत्याग्रह करके वापस लौटे। जहां से गए थे वहां भोजन बनाने की व्यवस्था थी, लौट के आएंगे, दूर दूर से आए हैं, अपना खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, वापस जाएंगे। लेकिन जो विरोधी लोग थे उन्होंने क्या किया? जो लोग अंबेडकर जी के साथ जो लोग सत्याग्रह करने के लिए आए थे उनके बने हुए रसोई के खाने में मिट्टी डाल दिया। जब लोग वापस लौटे, 4-5 हजार लोग वापस लौटे, उन्होंने देखा उनका खाना तो बिगड़ गया, उनको गुस्सा आ गया। हम लोग कल्पना करें, जो 100-200-300 मील दूर से आए हैं, सत्याग्रह करके वापस आए हैं, अब खाना खाएंगे, वापस अपने क्षेत्रों को जाएंगे। महार उस तालाब से पानी पीने को भी नहीं मिला, यहां आए तो खाने में मिट्टी पड़ी मिली, ये दुखद बात है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनको बैठा ला, शांति से बैठ जाओ और पूरी बात बताई। ये बात सच है, हम लोग सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है हमारी लड़ाई में हमारे ही लोग बाधक भी बन रहे हैं। न हमको तालाब का पानी लेने दे रहे, न हमको हमारा खाना खाने दे रहे, हमारे खाने में भी मिट्टी डाल देते हैं। लोग को गुस्सा था, ये बदला लेने के लिए भी तैयार थे। जिन्होंने मिट्टी डाला उनको सरोग सिखा दिया जाए, और 4-5 हजार लोग थे, गुस्सा आना स्वाभाविक है। ऐसे मौके पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मन में दुख है और तुम भूखे भी हो, फिर भी मैं ये कहूंगा चुपचाप कुएं का पानी पियो और अपने घर वापस चले जाओ, गुस्सा नहीं करना। भगवान बुद्ध ने कहा है वैर से वैर समाप्त नहीं होता, नहीं वैरे न वैरानी सम्मंती कुदाचनम। एक को गुस्सा है दूसरा भी गुस्सा करेगा तो क्या होने वाला है? दोनों के हाथ पैर टूटेंगे, वो एक मर भी सकता है, दोनों घायल हो सकते हैं, इससे समाज नहीं बनेगा। गलती तो हो रही है, अत्याचार तो हो रहा है, सहन करना सीखो। डॉक्टर साहब की पहली सीख यह है,